स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं यूटी 6 और एकम कसौटी 6 आप लोगों का 27 जनवरी से होने वाला है और आप लोगों को ऑफलाइन एग्जाम देना है यानी कि स्कूल में जाकर के एग्जाम देना है, इसलिए आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। मैं आपके रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए साथ ही अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन को गेस की हूँ जो आपके एकम कसौटी 6 के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका यदि आप प्रैक्टिस कर लें तो उम्मीद है आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसा देखा गया कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के वैल्यू को चेंज करके दिया जाता है, लेकिन यदि आपको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लर्न कर लेते हैं तो बच्चे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो प्रोबिंग का क्वेश्चन हो चाहे इवेलुएट करने वाला क्वेश्चन हो। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जरूर लर्न कर लेना चाहिए। मैं इस वीडियो में सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाए और उसके मार्क्स का भी आइडिया हो जाए। ओके, तो हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड रीजन बिहाइंड इट, वैल्यू ऑफ 10 बिगिंस फ्रॉम 0 एंड गोज ऑन टू बिकम मोर देन 1। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड रीजन बिहाइंड इट, वैल्यू ऑफ साइन इज लेस देन और इक्वल टू 1 व्हाइल दिस वैल्यू इज मोर देन 1। Now next statement, the value of cos theta increases as theta increases. This statement is false and reason behind it, the value of cos decreases as theta increases. Now next statement, a circle can have at most 2 parallel tangents drawn to it. This statement is true. Next statement, there is one and only one tangent at any point on the circle. This statement is true. सर्कल चैप्टर में टेंजेंट, कॉर्ड, सेक्टर ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। तो आप यदि इसे लर्न कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू and reason behind it, as the formula is 2 pi r multiplied by theta by 360 और इस formula में 2 से 360 कट जाएगा तो ये value आ जाएगा। ये question भी circle chapter का है, इसमें arc से related questions है, तो arc भी आपको पढ़ना चाहिए, minor arc होता है और major arc होता है। okay, now next statement, diameter to circle is also a chord it. This statement is true and reason behind it, diameter is the longest chord passing through the center. Now next question, fill in the blanks. First part of the question, sin 30 multiplied by cos 60 plus cos 30 multiplied by sin 60 is dash. इसके लिए हम लोग इसे solve करके देख लेते हैं कि यहाँ fill in the blanks में क्या आएगा. And solution is this. और answer आ रहा है 1. It means हम लोग यहाँ लिखेंगे 1. Okay? Now next fill in the blanks, the value of 9 sec square a minus 9 tan square a is dash. इसे भी solve करके देख लेंगे. Answer आ रहा है 9, यानी हम लोग यहां लिखेंगे 9. Okay? इस chapter के identity and ratios को जरूर learn कर लीजिएगा. Now next fill in the blanks, 1 minus 10 square multiplied by 45 degree minus a divided by 1 plus 10 square multiplied by 45 degree minus a equals to dash. इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है sin 2a, तो यहां हम लोग लिख देंगे sin 2a. Now next fill in the blanks, 2 tan 30 degree divided by 1 plus 10 square 30 degree. इसे भी सॉल्व कर लेंगे और फिर इसके बाद आंसर यहां लिख देंगे. तो आंसर आ रहा है साइन 60 डिग्री, तो यहां लिख देंगे साइन 60 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैं थ्योरेटिकल दी हूं,
A line intersecting a circle in two points is called a dash. Answer will be second. सर्कल चैप्टर में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी याद करना होगा, जैसे क्वाड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये सबको आपको लर्न करना होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश. आंसर विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है तो मैं इसके मीनिंग को समझा देती हूँ. इसमें कह रहा है कि सर्कल के जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियस ऑफ द सर्कल इज डैश इफ इट्स एरिया एंड लेंथ इज द सेम. इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें इसे कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करना होगा. ओके, तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर आता है टू, तो हम लोग यहां लिखेंगे टू. नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज डैश. इसे भी हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे. तो आंसर आएगा 14/11. तो यहां लिख देंगे 14/11. नाउ सेक्शन बी. इस सेक्शन में मैं पहला क्वेश्चन इवेल्युएट वाला क्वेश्चन को चूज की हूं. ये इवेल्युएट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर आ जाता है एग्जाम में. तो आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, हो सकता है कि UT6 में भी आए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° एंड सॉल्यूशन इज दिस. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके बुक में पेज नंबर 185 में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं उसको लर्न कर लेना चाहिए. यदि आप वैल्यूज को लर्न कर लेते हैं तो इस तरह के इवेल्युएट वाले क्वेश्चन चाहे जिस तरह के भी आए आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबके वैल्यू को रख देना, टेन 45° का वैल्यू, cos 30° का वैल्यू, sin 60° का वैल्यू, और इसे सॉल्व कर लेना. ओके, तो आंसर आता है टू. नेक्स्ट इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन है sin 30° प्लस tan 45° माइनस cosec 60° डिवाइडेड बाय sec 30° प्लस cos 60° प्लस cot 45°. यहां भी हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. तो यहां हम लोग वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और उसके बाद इसे सॉल्व कर रहे हैं. तो आंसर आ रहा है 43 - 24√3/11. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अलग टाइप का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है. गिवन 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें डायग्राम बनाना जरूरी होता है. डायग्राम यदि बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता है और आसानी से क्वेश्चन बन जाता है. ओके, तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बना लेंगे और इस डायग्राम के बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे जिससे इस ट्रायंगल के थर्ड पार्ट का वैल्यू निकल जाएगा. ओके, और उसके बाद हम लोग और इसके बाद हम लोग कॉस ए, सेक ए, साइन ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of a chimney from her eyes is 45°. What is the height of the chimney? ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है और इस चैप्टर के क्वेश्चन को 2 to 3 times पढ़ना चाहिए जिससे क्वेश्चन क्लियर हो और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का मीनिंग मैं समझा देती हूँ. ये डायग्राम है इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक चिमनी है जिसके सामने एक बच्ची खड़ी है और उस बच्ची का हाइट है 1.5 meter. ओके, और वो 28.5 मीटर चिमनी से दूर खड़ी है और उस बच्चे के आंख से जो चिमनी के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 45° है. तो हमें निकालना है चिमनी का हाइट. तो हम लोग इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो चिमनी का हाइट निकल रहा है 30 meter, यानी कि ये जो चिमनी यहां दिया हुआ है ये 30 meter का है. नाउ सेक्शन सी. तो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है 2 concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन है और ये मेरे हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 concentric circles है जिसमें से बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 cm है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 cm है.
यदि बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को टच करता है तो उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है। ओके, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट्स। हर एक ब्रैकेट में हम लोग 3 डिजिट्स देख रहे हैं और ये 3 डिजिट्स को ही ट्रिपलेट कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट ट्रिपलेट देख रहे हैं 3, 4, 5। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया हुआ था, 5 और 3, और पूछा जा रहा था कि AB का लेंथ क्या होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं AB पर सेंटर ऑफ द सर्कल से, और उसके बाद जो दो ट्रायंगल बनता है उसमें से किसी एक ट्रायंगल को चूज कर लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के बाद जो थर्ड साइड का लेंथ है वो हमें आसानी से मिल जाता है, और उस थर्ड साइड के लेंथ में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कॉर्ड का लेंथ मिल जाता है। ओके, अब एक बार ट्रिपलेट को देखते हैं। यहाँ फर्स्ट ट्रिपलेट में 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 3, 4, 5, और यहाँ दिया हुआ है 5 और 3, यानी कि ये थर्ड साइड जो होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। इसी तरह से जितने भी ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं सब में सेम रूल होता है। अब एक 2 डिजिट्स वाले ट्रिपलेट्स को लेते हैं, यानी कि 12, 16 और 20। तो मान लीजिए क्वेश्चन में 2 साइड्स के डिजिट्स दिए हुए हैं, यानी कि 12 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, तो थर्ड साइड का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 16 निकलेगा। ओके, अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी समझाई हुई हूँ, और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एपी का वैल्यू आता है 4 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा जा रहा है एबी का वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, एपी के वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ पी क्यू। इस क्वेश्चन के लिए इस तरह का डायग्राम बनेगा। ओके, यानी कि रेडियस का लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस का लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है पी क्यू। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट्स का हेल्प ले सकते हैं। ओके, और इस तरह से इसे सॉल्व कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ TP एंड TQ आर द 2 tangents टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल PTQ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 tangent है TP एंड TQ, और इन दोनों tangent को जब सर्कल के रेडियस से ज्वाइन करते हैं तो जो ये एंगल बनता है POQ वो 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आंसर इसका आएगा 70 डिग्री। ओके, नाउ सेक्शन सी, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जा रहा है, और इस क्वेश्चन के लिए भी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट्स यूजफुल होगा और आंसर इसका इस तरह से आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी इन विच एबी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, बीसी इक्वल्स टू 21 यूनिट्स एंड एंगल एबीसी इक्वल्स टू थीटा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन के लिए भी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, और डायग्राम यदि बन जाता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट और ट्रिपलेट्स का हेल्प लेते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case?
इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे डायग्राम बनाते हुए. ओके, फर्स्ट डायग्राम ये बनेगा जिसमें स्लाइड का हाइट जो है 1.5 मीटर है और एंगल 30 डिग्री बन रहा है. सेकंड डायग्राम इस तरह से बनेगा जिसमें स्लाइड का हाइट 3 मीटर है और एंगल 60 डिग्री बन रहा है. फर्स्ट सॉल्यूशन इस तरह से होगा और आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. और इस क्वेश्चन के लिए इस तरह का डायग्राम हम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे इस तरह से. यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट्स काम आ जाएगा. ओके, तो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल. ये क्वेश्चन भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस क्वेश्चन का इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये गिवन लाइन है और ये टू पैरेलल लाइंस है. ओके, तो ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा टेंजेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. इसके लिए हम लोग इस तरह से डायग्राम बना लेंगे. डायग्राम बनाने से कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाता है. ऐसे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है और यदि हम 5 मिनट्स की बात करें तो 5 मिनट्स 30 डिग्री का होगा. तो इस क्वेश्चन में 5 मिनट्स पूछा जा रहा है. हो सकता है कि 5 मिनट्स नहीं पूछा जाए, 10 मिनट्स का पूछा जाए या 15 मिनट्स का पूछा जाए, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ओके, और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे. और आंसर आएगा इसका 154 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ सेक्शन बी, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है. तो इस तरह का दो डायग्राम बनाएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, एबी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एसीबी इक्वल्स टू 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बीसी एंड एसी. इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा. ओके, तो एसी का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट. पहले भी मैंने आपको बताया था कि इवेल्युएट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा मार्क्स में भी इवेल्युएट का क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन है, इवेल्युएट sec a plus tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन a. तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, आंसर आएगा cos a. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर an electric fault on a pole of a height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at the angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? You may take root 3 equals to 1.73. और इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे. ओके, तो आंसर आएगा 2.14 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन का डायग्राम इस तरह से बनेगा. ओके, ये ट्री है और ट्री टूटने के बाद ग्राउंड से इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है
और क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आंसर आएगा 8√3 meter। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter इज ₹5,280। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 per meter square। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो आंसर इसका आएगा ₹1,925। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 centimeter सस्टेंस एन एंगल ऑफ 60° एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। और इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम इस तरह से बनेगा। ओके, और इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे। और आंसर आएगा 686.0625 centimeter square। इन क्वेश्चंस में से कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो उसको तो आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस का भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी, जिससे आप साइंस की भी तैयारी अच्छे से कर ले। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।